बसमिल्लर रहीम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर थर्टीन लेक्चर नंबर सेकंड एम्पियर्स ला एंड्रे एम्पियर्स एक साइंटिस्ट था और जिसने मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी और उसने ये कहा था कि सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फिनामिना इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी मैग्नेट को स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिज्म जो है वो एक्चुअली 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 अराइज होता है काज होता है किस से इलेक्ट्रिक करंट से क्लियर ओके लेकिन ये एम्पियर्सला की स्टेटमेंट नहीं है क्लियर दिस इज जस्ट अ अ सिंपल स्टेटमेंट गिवन बाय एम्पियर्सला एम्पियर्सला की स्टेटमेंट आने वाली है ओके okay? अच्छा नाउ लुक एट दिस एन्द्रे एम्पियर फाउंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग 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 इन अ वायर ये एक वायर है जब भी किसी भी वायर से करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लियर मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये कब स्ट्रांग होगा और कब ये वीक होगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड कब स्ट्रांग होगा और कब इसका मैग्नीट्यूड वीक होगा क्लियर सो ही ऑब्ज़र्व दैट मैग्नेटिक फील्ड उसने दो बातें ऑब्जर्व की उसने क्या ऑब्जर्व किया ही ऑब्जर्व डैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली कॉमन सेंस जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा कंपास पाँच जो है आपको ये रिजल्ट देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है क्लियर जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा फर्स्ट उसने ये ऑब्जर्व किया एंड अ वेरी बेसिक रूल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड

so b is inversely proportional to directly proportional to i and inversely proportional this is a combination of first and second proportional ka sign hat jayega aur constant aa jayega constant hamesha experiment pe experimental isko find kiya jata hai depend karta hai apparatus pe apparatus का मतलब ये depend करता है pe. मतलब depend hmm. experiment पे कौन सा experiment है Clear? अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो नहीं आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन तो नहीं आएगा वो मासिस के लिए एडजस्टेबल uh, है और ये इलेक्ट्र मैगनेटिक फिना के लिए अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट कीजिए जगह आ गया है म्यून आट डिवाइड बाई टू पाई टू पाई जो है वो सर्कल के लिए आ गया है सर्कुलर शेप टू पाई रेडियन टू थ्री सिक्सटी डिग्री म्यूनार्ट जो है दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं ये जो मटीरियल अगर होगा फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको डोंट वरी दिस इज अ वायर एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर क्लियर और इस वायर से करंट पास हो रहा है आई तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा अब आपके और इस वायर के बीच में हमने एक आयरन पीस रख दिया है आयरन पीस तो आया ये आयरन पीस इन लाइन्स को रोकेगा या लाइंस को स्ट्रांग करेगा आपके और वायर के बीच में आयरन पीस आ गया है तो ये आयरन पीस आया इन लाइंस को रोकेगा ब्लॉक करेगा या एलो करेगा ये मतलब है इस न्यूनार्ट का परमेबिलिटी का परमेबिलिटी की वैल्यू क्या है फोर पॉइट एंड माइनस है मोस्ट ऑफ द मटेरियल सपोर्ट्स द द लाइंस मोस्ट ऑफ़ द मटेरियल सो इसलिए ये डायरेक्टली है बहरहाल कम भी करता है रिड्यूस भी करता है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं पैरा मैग्नेटिक हैं फेरो मैग्नेटिक हैं जो फोर पॉइटन डिस्ट्री फोर माइनस सेवन क्लियर ये इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इसका यूनिट क्या है यहाँ से आसानी से फाइंड हो सकता है बी का टेस्ला है आर का मीटर है करंट का एम्पेयर है म्यूनाट इज इक्वल टू टू दिस एंड ये यूनिट आ गया है इसका एक और यूनिट भी पॉसिबल है टेस्ला मीटर स्क्वेयर फ्लक्स के बराबर है वेबर के तो मीटर मीटर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर आ जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाई एम्पेयर मीटर टेस्ला मीटर स्क्वेयर से वेबर आ जाएगा लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देख लें इंशाल्लाह वेबर की समझ आ जाएगी अच्छा वेबर आ गया है तो नाउ म्यू नॉट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर पर एम्पेयर दिस इज द सेकंड यूनिट ओके सो दोनों यूनिट इसके पॉसिबल हैं समझ आ गई है बीज इक्वल टू म्यू नाट आई डिड बाई टू पाई आर टू पाई आर जो है दैट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ द सर्कल अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ द सर्कल जो है दिस इज दिस लेंथ ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली नाउन एज टू पाए आर Current produced in magnetic field. Charge produces electric field. Current produces magnetic field. Charge produces electric field. Okay. Now, B l is equal to mu naught I. B l is equal to mu naught I. Okay. Now, just like the Gauss's law, Ampere's law provide a smart way to find magnetic field for different cases. Gauss's law, ek ऐसा law tha, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंतहाई स्मार्ट वे से फाइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी मुश्किल टॉपिक्स थे कुछ केसेस uh, के लिए इनफाइनाइट लाइन के लिए इनफाइनाइट शीट के लिए क्लियर तो हम क्या किए हमने क्या किया हमने गासेज ला के ज़रिए इसको इंतहाई आसानी से पढ़े क्लियर तो इस तरह एम्पियस ला जो है एमपियसला वो आपको एक आसान रास्ता देगा मुख्तलिफ़ केसेस को सॉल्व करने के लिए क्लियर ओके गासिज़ला गासेजलामसला जो है कूलमसला के ज़रिए हम लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गासिज़ला स्मार्ट वे देगा बायोट बायोसाइवरटला के ज़रिए हम लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एम्पेयरस ला उसका स्मार्ट वे देगा ये ला यूज़ करेंगे एलक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये ला यूज़ करेंगे मैगनीटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये ला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए और ये यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए क्लियर यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं लुक एट दिस एक एम है और वो ये है कि टू फेर वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दो वायर्स हैं क्लियर दो वायर्स हैं दिस इज दिस एम्पेयर दिस एम्पेयरस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ स्टेटमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डार्क पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इन क्लोज इन दैट लूप क्लियर ओके तो याद रखें याद रखें जो भी वायर है करंट उससे पास हो रहा है तो वो एक्चुअली बी एल बराबर होगा म्यू नॉट आई के अगर आपको याद हो तो यहाँ म्यू नॉट की जगह पे यहाँ पे गाजला में यूज़ हुआ था वन बाई एप्सरानाट वन बाय एप्सलानाट यहाँ पे यूज हुआ था वन बाई एप्सलानाट क्लियर एम्पेयर स्ला में यहाँ पे यूज हुआ है म्यू नाट ओके सो इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक एम सी क्यू है सिंपल एंड देट इज़ टू पैरल वायर्स कैरिंग करण इन द सेम डायरेक्शन अब यहाँ पे यहाँ पे एक वायर ये है और एक वायर ये है क्लियर दोनों वायर से चार्जेस पास हो रहे हैं तो यहाँ पे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चेक करें ये क्रॉस मैंने आपको समझाया था लास्ट केस में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को शो करता है तो यहाँ पे करंट ऊपर है तो चेक करें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगा इस वायर के लिए यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगा इस वायर के लिए यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर हमने डाट लगाए हैं और यहाँ पर हमने क्रॉस लगाए हैं अब इसको देखें अच्छा इसको यहाँ पे क्रॉस हैं और यहाँ पे डॉट हैं इसी तरह जब यहाँ से करंट पास होगा तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्लियर अब यहाँ पे डॉट्स हैं और यहाँ पे क्रॉस हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड अब देखते हैं कि ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या ये वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्लियर तो हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए वो आंसर अभी आ जाएगा सिंपल देखें अच्छा ये एक ये एक वायर है और इस पे इसका जो फोर्स है ना फोर्स क्लियर ये एक वायर है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ये एक वायर है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड ये है ये वायर अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होगा क्लियर अपने मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज मोशन नहीं करता है अच्छा ये ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के लिए तो याद रखें अच्छा दिस इज फोर्स एफ बी एंड आई क्लियर एफ बी एंड आई ओके दिस इज एफ दिस इज बी एंड दिस इज आई तो अब आप चेक करें लुक एट दिस कि करंट जो है करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है ओके सो लुक एट दिस एफ बी एंड आई अब जो करंट है करंट वो ऊपर की तरफ है क्लियर और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है वो बायर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर जो होगी ये बायर की तरफ आ जाएगी लाइक like दिस और करंट जो होगा ऊपर की तरफ होगा तो ये फोर्स जो होगा ना फोर्स ये इस तरफ आ जाएगा चलिए मैं आपको इसके लिए अप्लाई करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी लुक एट दिस करंट किस तरफ है ऊपर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है इनवर्ड देखते हैं अच्छा लुक एट दिस ये करंट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है ये करंट है क्लियर इस करंट इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है इनवर्ड तो ये इनवर्ड हो गया है तो चेक करें फ़ोर्स किस तरफ है इस वायर पे फोर्स किस तरफ है इस तरफ है ये वायर है दोबारा बता रहा हूँ इस वायर में करंट किस तरफ है अपवर्ड है करंट अपवर्ड है तो करंट की रशन क्या होगी इस मिडिल फिंगर से हम फाइंड करेंगे इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड है तो वो ये इनवर्ड हो जाएगा अब इस वायर पे इस वायर पे जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा वो फोर्स इस तरफ होगा तो ये वायर इस तरफ आएगा सिमिलरली ये वायर इस तरफ आएगा ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे एट्रैक्ट करेंगे तो याद रखें जब भी दो पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन तो एक दूसरे को क्या करेंगे विल अट्रैक्ट ईच अदर ओके इसी तरह अगर करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट कैरिंग वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन तो अगर सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट में एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्लियर ये इस पे फोर्स इस तरफ होगा इस पे फोर्स इस तरफ ये एरो जो हैं ये फोर्स के एरो हैं तो अब उस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे अच्छा लिमिटेशन ऑफ ला याद रखें ला जिस तरह ला जिस तरह क्लोज सरफेस के लिए है इस तरह ला जो है वो क्लोज लूप के लिए है गा ला जो है वो क्लोज सरफेस के लिए है एम्पियरस ला जो है वो क्लोज लूप के लिए है ला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया अगर आप यहाँ पे दस कूलम चार्ज रखेंगे तो पहले सर्कल से भी पहले एरिया से भी वही लाइंस पास होंगे जो दूसरे एरिया से पास होंगे तीसरे एरिया से पास होंगे चौथे एरिया से पास होंगे तो एरिया जो है वो गाजला एरिया पर पे डिपेंड नहीं करता है सिमिलरली सिमिलरली लूप जो है लूप एम्पेयरसला एम्पेयरसला में जो क्लोज लूप है क्लियर इसकी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है क्लियर एम्पेयरसला जो है वो लेंथ ऑफ द लूप पे डिपेंड नहीं करता है गजला जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है क्लियर ओके okay. इसके बाद है टू पैरल वायर्स कैरिंग सिंपल समरी है कंक्लूजन है कंक्लूजन क्या है टू पैरल वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आई एंड आई टू करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन विल एट्रैक्ट ईच अदर करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस अट्रैक्शन इस रिपल्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे अगले लेक्चर में इस एट्रैक्शन और इस रिपल्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा एट्रैक्शन रिपल्शन का विश यू बेस्ट ऑफ लक